है जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूं, और नई भूख का मतलब डालना मत, मैं तैयार नहीं हूं, मैं कहीं एंगेज्ड हूं। लेकिन हम लोग खाना कैसे खाते हैं? टाइमली, साइकोलॉजिकली। हम लोग क्या कहते हैं, सुबह 9 बज गई ऑफिस जाना इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, अभी डॉक्टर सचिन ने छोड़ दिया इसलिए खा लो, शाम हो गई इसलिए खा लो, घर में आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार में जाएगा इसलिए खा लो, ज्यादा बन गया इसलिए खा लो, मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खा लो। तो आपका जो खाना है वो वास्तव में शारीरिक मांग से ना होकर साइकोलॉजिकल टाइमली मांग से होता है। शरीर कहता है भाई साहब मैं आपकी मजबूरियों को नहीं जानता, मैं मांगू और दोगे तो खाना पचा दूंगा, और अगर मैंने नहीं मांगा और दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूंगा। क्यों? नो हंगर मीन्स नो जूस सीक्रेशंस। और अगर आपने डाल दिया, नहीं नहीं सब लोग खा रहे मैं ही खा ही लेता हूं, टाइम 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 कैसे निकालूं, डाल दिया तो शरीर क्या करता है, मालूम है? शरीर में बड़ी लिमिटेड रिजर्वॉयर एनर्जी है, वो नीचे ऑलरेडी डाइजेशन में लगी हुई है, वो वहां से ना इमरजेंसी की तरह डील करता है जो खाना आ गया फालतू में, और फिर वो वहां से वो एनर्जी विड्रॉ करके आधी इधर लगाता है, तो आधी उधर ही, आधी मिलती सिर्फ उधर, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होती है। भूख का असली कारण यह नहीं है कि तुम फाइबर नहीं खा रहे हो, भूख का असली कारण है एनर्जी लो है इंटेस्टाइन में। क्यों? तुम सारे दिन ऊपर ही खींच के रखते हो बगैर भूख के भी। तो जिस दिन तुमने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था, खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। और जिसका खाना पच गया उसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। क्यों? आते तो डिजाइन की गई उसी पर्पस के लिए भाई। आते कहती है भैया मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि कब करूं ना कब ना करूं, आई नो माय जॉब वेरी वेल, आप कृपया मेरे रास्ते में बाधा मत पैदा करो प्लीज। आप जानते हो पेशाब करने को 50-60 सेकंड लगते हैं, स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड। आप चाहो तो फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या कर दिया। हम लोग सुबह घूमने निकलते हैं पति पत्नी, जब तक मेरी एक पार्टनर जूता निकाल के फीता बांधता है ना तब तक दूसरा पार्टनर आ जाता है बाहर, पता है आपको, इतना फास्ट बता रहा हूं। और इसमें कोई आश्चर्यचकित बात होने की जरूरत भी नहीं है। आपने कभी जानवर को देखा, हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली रास्ते में चलते हैं, अचानक खड़े होते हैं, टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है, आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, लाइब्रेरी बना के बैठ गए अंदर। अरे भाई इतनी समस्या नहीं है मोशन में। और कितना हंगामे करता है, कितनी लड़ाई लड़ रहा है, रात को दूध पी रहा है, इसबगोल खा रहा है, कायम चून खा रहा है, और सुबह उठ के बीड़ी फूंक रहा है, गर्म पानी पी रहा है, कपाल भाती कर रहा है। अच्छा वह भगवान ने किडनी अंदर कर दी, वरना पता नहीं पेशाब कैसे करता। लड़े जा रहा है शरीर से। तो दोस्तों जीवन फाइट नहीं है, फ्लो है, फ्लो। लड़ो मत जीवन से, इसे कानून के साथ जुड़ो।